छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे। इसके साथ ही बताते चले, जहां महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। देखिए रिपोर्ट। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां पर लगातार राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भगवान श्री राम चरणों में अर्पित करने के लिए भक्त विशेष तोहफे लेकर पहुंच रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का असली ननिहाल माना जाता है। इसी के चलते भगवान राम के ननिहाल से यानी कि छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या आई है। भगवान रामलला से यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल रहे। अयोध्या कर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। प्रभु श्री राम के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज का मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल। इस दौरान विष्णुदेव साय ने विपक्ष के राम की आलोचना करने को लेकर कहा कि विपक्ष के कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं है। हम लोग मामा गांव से आए हैं। भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। हम लोगों का सौभाग्य है कि शबरी धाम भी वही है जहाँ भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। प्रसाद चढ़ाने के लिए हम छत्तीसगढ़ से बीर लाए हैं, छत्तीसगढ़ का जल, सुगंधित चावल भी लाए हैं और कई तरह का प्रसाद लाए हैं जो भगवान रामलला को अर्पित किए। अब देखिए, विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। हाँ, तो हम लोग मामा गाँव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी मतलब बेर भी लाए हैं, मतलब यहां प्रसाद चढ़ाने के लिए वहां का जल भी लाए हैं, वहां का चावल भी लाए हैं और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। वही छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन के साथ ही हनुमानगढ़ी सरयू घाट में भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पूछा कि इस मौके पर शिवरी नारायण के बीर की टोकरी समेत कई चीजें भी रामलला को भेंट की गई। बहरहाल साय सरकार का ये अयोध्या दर्शन कार्यक्रम एक दिन का ही है। अयोध्या धाम में पूरे दर्शन करने के बाद अब छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णु साय अपनी कैबिनेट के साथ में वापस छत्तीसगढ़ जा चुके हैं। आज पूरा दिन छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार अपने मुख्यमंत्री के साथ में यहां पर मौजूद रही और अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, यहां तक कि सरयू तट पे भी जा करके सारी चीजें उन्होंने देखी कि किस तरीके से अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। कैमरामैन अश्विनी के साथ आकाश शेखर शर्मा, टोटल टीवी, अयोध्या।